हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। इस वीडियो में हम DPP 5 के क्वेश्चन 31 से 40 तक को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इफ़ द सर्किल, तो इस सर्किल का सेंटर है 1.1 और रेडियस है 1, इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है। हुज टू साइड्स आर कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ट्रायंगल के दो साइड्स हो गए। एंड वन साइड हैज़ नेगेटिव स्लोप और थर्ड साइड ये हो गया जिसका स्लोप नेगेटिव है। कटिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सेस पे ए और वाई एक्सेस पे बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। सर्किल का सेंटर है 1.1 और सर्किल का रेडियस भी 1 है। तो हमें ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो सबसे हम पहले बोल सकते हैं कि इस सर्किल के सेंटर 1.1 का नेगेटिव स्लोप वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये सर्किल इस लाइन को टच कर रहा है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं, 1.1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल 1 है, यहाँ से आ गया 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी माइनस 1 का मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, 1 अपॉन में ए प्लस 1 बाई बी माइनस 1। ओके, अच्छा ध्यान से देखिए, 1.1 पॉइंट स्ट्रेट लाइन x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b माइनस 1 इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। 1.1 पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1.1 पॉइंट इस लाइन के उस साइड लाई कर रहा है जिस साइड 0.0 लाई कर रहा है। तो 0.0 रखने पे इस लाइन का एक्सप्रेशन नेगेटिव मिलेगा। तो 1.1 भी सेम साइड लाई कर रहा है, इस वजह से 1.1 पे भी सेम साइन, नेगेटिव साइन मिलना चाहिए। तो 1.1 पुट करने पे आ जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 1 और ये होना चाहिए नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इस मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट इज़ नेगेटिव, और मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है यानी कि मॉड माइनस साइन से ब्रेक होगा। तो माइनस से ब्रेक करने के बाद आ गया माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन फॉल्स हो गया। और ऑलरेडी हम ये रिलेशन भी प्रूव कर चुके हैं, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 1 इज़ लेस देन 0, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बी पार्ट एंड डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो द लाइंस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दिस एंड दिस, टोटल तीन लाइंस हैं, आर कॉन्करेंट फॉर। तो बस यहाँ पे कॉन्करेंसी की कंडीशन लगानी है। कॉन्करेंसी की कंडीशन होती है कि एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स और वाई के कोफिशेंट्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम डिटर्मिनेंट के रोज में इसी ऑर्डर में लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कॉफिशेंट्स हैं 1, 1, 1, सेकेंड लाइन में कॉफिशेंट्स हैं एम माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 7, 5, और थर्ड लाइन में है m माइनस 2, 2m माइनस 5, कॉन्स्टेंट टर्म 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर देंगे। अगर लाइंस कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 करके आसानी से m का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। इफ़ m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the straight lines y equal to m1x, y equal to m2x and y equals to a. तो y equal to m1x और y equal to m2x, ये straight lines origin पे intersect करेंगे।
तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0,0। अगर y इक्वल टू एम वन एक्स और y इक्वल टू ए को सॉल्व करें तो y कोऑर्डिनेट है a और x कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा a बाई एम वन। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया a बाई एम वन कॉमा ए, और सेकेंड और थर्ड लाइन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा a बाई एम टू कॉमा ए। तो ये आगे ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया, एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन वन, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। ये आ गया एरिया। ठीक है, अब हमें एरिया का वैल्यू निकालना है कि एरिया का वैल्यू इसमें से कौन से ऑप्शन से मैच करेगा। तो बस हमें डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, मॉड ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, दो जीरोज हैं तो थर्ड एलिमेंट के अबाउट 1 × ए स्क्वायर बाई एम वन माइनस ए स्क्वायर बाई एम टू, यहाँ पे एम टू था। ठीक है, ये आ गया एरिया का एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर एम टू माइनस एम वन अपॉन में एम वन एम टू और अपॉन में टू का होल मॉड। तो ये आ गया एरिया का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एम वन एम टू और m1 वन प्लस एम टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स m1 वन प्लस एम टू यह आ जाएगा माइनस बी बाई ए फॉर्मूले से इक्वल टू a, और m1 वन एम टू यह आ जाएगा c बाई ए माइनस टाइम्स a प्लस वन। तो बस m1 वन प्लस एम टू और m1 वन एम टू को रिप्लेस करना है। m2 टू माइनस एम वन की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में m1 वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस 4m1m2, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया अपॉन में 2m1m2। तो अब यहाँ पे बस m1m2 और m1 प्लस m2 का वैल्यू रख देंगे और एक ही करेक्ट कंडीशन के साथ मॉड ओपन कर देंगे और फिर बस ऑप्शन को चेक करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ वन ऑफ द लाइंस, एक लाइन पेयर का इक्वेशन गिवन है, कोइंसाइड विथ वन ऑफ दोज given by another line pair and other lines represented by them be perpendicular। तो इन दोनों pair of lines में से एक line तो coincide कर रहा है और दूसरा line mutually perpendicular है। तो मान लेते हैं कि first वाले pair of straight lines से represent होने वाले lines के slope हैं m1 और m2। तो second pair of straight lines से represent होने वाले straight lines के slope हो जाएंगे, एक लाइन तो कोइंसाइड कर रहा है तो सेम स्लोप m1 और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है तो -1/m2। यहाँ से अगर हम y बाई एक्स को m मान लें तो y बाई एक्स को m मानने से m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 3m² प्लस am प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स m1 और m2 हो गए। इसी तरह से यहाँ पे y बाई एक्स में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो आ जाएगा -6m² प्लस बी एम प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हो गए m1 और -1/m2। सम ऑफ रूट्स लिखते हैं m1 प्लस m2 माइनस a बाई 3 m1 m2 इक्वल टू 2/3 m1 -1/m2 माइनस बी बाई -6 यानी कि b बाई 6 और m1 इंटू -1/m2 इक्वल्स टू 4/-6 -4/6 यानी कि m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू 2/3। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 इंटू m2 इंटू m1/m2 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2/3। तो m1 स्क्वायर 2/3
एम वन इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। तो दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट केस, लेट एम वन इक्वल्स टू प्लस 2/3। तो जब एम वन का वैल्यू प्लस 2/3 है तो यहाँ से एम टू हो जाएगा 1, और एम वन और एम टू ये दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन से a निकाल लेते हैं, तो एम वन प्लस एम टू 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3 इज इक्वल टू माइनस a/3 यानी कि a इक्वल्स टू माइनस 5। और यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा एम वन यानी कि 2/3 माइनस 1/m2 इक्वल्स टू b/6। तो माइनस 1/3 इक्वल टू b/6 यानी कि b इक्वल्स टू -2। तो फर्स्ट केस में a इक्वल्स टू -5 एंड b इक्वल्स टू -2 आ गया। सिमिलरली सेकेंड केस में m1 को -2/3 लेंगे और वहाँ से भी a और b निकाल लेंगे और उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट 1, 2 एंड इट्स टू साइड्स आर पैरेलल टू द लाइंस दिस एंड दिस। तो रोम्बस का पहला साइड इसके पैरेलल है और रोम्बस का दूसरा साइड इसके पैरेलल है और वर्टेक्स ए है 0, k। ए बी सी टी इज ए रोम्बस, डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1, 2 पे। तो ध्यान से देखिए, ए बी का इक्वेशन आ जाएगा, ए बी लाइन इसके पैरेलल है, तो ए बी का इक्वेशन आ गया x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि 0, k पॉइंट सेटिस्फाई भी करना चाहिए। और ए डी लाइन का इक्वेशन, ए डी लाइन इसके पैरेलल होगा, तो ए डी का इक्वेशन हो जाएगा 7x माइनस वाई 0, k सेटिस्फाई करना चाहिए प्लस के इक्वल टू 0। तो ये आ गया ए बी और ए डी लाइन्स का इक्वेशन। रोम्बस है तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट 1, 2 एंगल बाई सेक्टर पर लाई करेगा और पॉइंट 1, 2 का डिस्टेंस ए बी और ए डी दोनों से इक्वल रहेगा। तो 1, 2 को दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट कर देते हैं। 1, 2 का फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। 1, 2 का सेकेंड लाइन से डिस्टेंस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया के माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल टू 5 प्लस के का मॉड डिवाइडेड बाई 5 रूट 2। रूट 2 कैंसिल, 5 प्लस के अपॉन में के माइनस 1 का मॉड इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से 5 प्लस के अपॉन में के माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे और वहाँ से के दो वैल्यूज आ जाएंगे और वहाँ से फिर हम ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। द पॉइंट α, α+1 लाइज इन साइड द ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर 0, 3 -2, 0 एंड 6, 1। 0, 3 -2, 0 एंड 6, 1। तो यह गया ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे दे रखा है कि पॉइंट α, α+1 इस ट्रायंगल के इनसाइड लाई कर रहा है। तो ट्रायंगल के इनसाइड लाई कराने के लिए हम
तीनों साइड्स के रिलेटिव पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन ट्रायंगल के इनसाइड होगा अगर अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन पॉइंट ए बी लाइन के राइट साइड में लाई करे। तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए बी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, एक्स अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन में वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन। पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन इसके राइट साइड में लाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन को इस लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करने से पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए। तो अल्फा बाई माइनस टू प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन में थ्री माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गया। इसी तरह से अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन ए सी लाइन के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो ए सी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और उसमें अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन को पुट करने से नेगेटिव साइन मिलना चाहिए, वहाँ से सेकेंड इनइक्वालिटी आ जाएगा। और इसी तरह से बी सी लाइन के उसके भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो बी सी लाइन के इक्वेशन में भी अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन को पुट करने से नेगेटिव साइन मिलना चाहिए, वहाँ से तीसरा इनइक्वालिटी आ जाएगा। तीनों का कॉमन लेके फिर वहाँ से अल्फा का आंसर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द स्ट्रेट लाइन्स दिस वेयर ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो विल पास थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ। तो ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसमें एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वाई आ जाएगा माइनस सी बाई बी, ठीक है। एक्स को जीरो पुट किया तो वाई आ गया माइनस सी बाई बी, यानी कि जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी, इस पॉइंट पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। अगर वाई को जीरो पुट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस सी बाई ए, यानी कि माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो, इस पॉइंट पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स इंटरसेप्ट बोल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करने के लिए क्या होना चाहिए। तो ध्यान से सोचिए, अगर एक्स इंटरसेप्ट लाइन का और वाई इंटरसेप्ट दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव हो जाए, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाए वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो भी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगा। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगा, और एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हैं तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगा। सिर्फ एक केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास नहीं करेगा, जब एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, उस केस में स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, तो ए बी सी में कौन सा कंडीशन ट्रू हो सकता है। तो हम बोलेंगे माइनस सी बाई ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर या एंड भी हो सकता है, माइनस सी बाई बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो। अब इसमें हमें बस ऑप्शन को चेक करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है ए सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ध्यान से देखिए, ए और सी का जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ए और सी का रेशियो डिवीज़न वो भी पॉजिटिव होगा, ए और सी सेम साइन के होंगे। ए बाई सी पॉजिटिव है तो माइनस सी बाई ए अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, बी सी इज़ पॉजिटिव, बी सी पॉजिटिव है तो माइनस सी बाई बी नेगेटिव हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, और इस केस में स्ट्रेट लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट से पास नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन गलत है। बस वैसे ही बी सी और डी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन विच द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2, -1 सबटेंड एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 एट द पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस।
तो सर्किल का एक कॉर्ड है जिसके एक्सट्रीमिटीज़ है 1.2, 2.-1, और ये कॉर्ड सर्किल के सरकमफेरेंस पे पाई बाई 4 का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अगर सरकमफेरेंस पे पाई बाई 4 का एंगल सबटेंड कर रहा है तो सेंटर पे उसका डबल 90 डिग्री सबटेंड करेगा। सेंटर को मान लेते हैं एच कॉमा के, तो यहाँ से एच कॉमा के 1.2 और 2.-1 इन तीनों पॉइंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हमें एच और के की वैल्यू मिल जाए तो हमें सेंटर मिल जाएगा और फिर वहाँ से हम सर्किल का इक्वेशन लिख पाएंगे। तो एच और के निकालने के लिए सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि एच कॉमा के 1.2 और 2.-1 दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो दोनों से डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस टू का स्क्वायर प्लस के प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा एच और के में। दूसरा हम बोल सकते हैं कि एच कॉमा के और 1.2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप और एच कॉमा के और 2.-1 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो एम वन के माइनस टू अपॉन में एच माइनस वन इंटू एम टू के प्लस वन अपॉन में एच माइनस टू इज इक्वल टू -1। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एच और के निकाल लेंगे और एच और के आने से हमें सर्किल का सेंटर मिल जाएगा। सर्किल का सेंटर मिलने के बाद ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो 1.2 और 2.1 इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा अंडर रूट में 1-2 का स्क्वायर प्लस 2+1 का स्क्वायर अंडर रूट में 1+9 यानी कि √10। तो सर्किल का रेडियस आर हो जाएगा, अगर इसको ए और इसको बी मान लें तो आर इज इक्वल टू AB cos 45 यानी कि √10 इंटू 1/√2, तो √5 आ गया। तो रेडियस तो यहाँ से आ गया √5। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम एच और के का वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ से सेंटर आ जाएगा और फिर हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पे। लेट सी, एक सर्किल गिवेन है एंड एस इज़ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स 3.7 एंड 6.5। तो दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिखते हैं। फिक्स पॉइंट्स हैं ए 3.7, दूसरा फिक्स पॉइंट है बी 6.5। तो दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिखने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ए बी को डायमेट्रिक फॉर्म मान के जो सर्किल आएगा उसका इक्वेशन लिख लीजिए। तो वो हो जाएगा एस प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए और वो आ जाएगा एल की जगह। एस की जगह पे लिखना है सर्किल जो ए बी को डायमीटर मान के मिलेगा और एल की जगह ए बी लाइन का इक्वेशन लिखना है। इससे हमें फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। सबसे पहले एस की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू और एल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन। तो आ गया एक्स के साथ 7-5 2 माइनस वाई 3-6 -3 प्लस 1 15 -42 -27 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y -27 इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन आ जाएगा s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। तो आ गया फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन और गिवन सर्किल सी का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, इसमें लिखा है द कॉर्ड्स इन विच द सर्कल सी कट्स द मेंबर ऑफ फैमिली एस आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट। तो सर्कल सी और फैमिली ऑफ सर्कल्स के किसी भी मेंबर के किसी भी के कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, तो इन दोनों सर्कल्स के कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है एस माइनस एस डैस इक्वल टू ज़ीरो, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करने से आ जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस नाइन एक्स यहाँ से माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स, फिर y के टर्म में माइनस ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स वाई, फिर कॉन्स्टेंट टर्म 18 प्लस 35 प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ गया माइनस 5x माइनस 6y प्लस 56 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि हम देख सकते हैं एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में आ चुका है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू ज़ीरो। और इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कॉन्करेंसी का पॉइंट हम L1 और L2 को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये L1 और ये L2 दोनों को इक्वल टू ज़ीरो करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो हमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिल जाएगा और वो 39th क्वेश्चन के जिस ऑप्शन से मैच करेगा वो 39th का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, इसमें लिखा है इक्वेशन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली एस दैट बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्किल के उस मेंबर का इक्वेशन हमें बताना है जो सर्किल सी के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर दे। तो ये रहा सर्किल सी, और अगर इसके सर्कमफेरेंस को कोई दूसरा सर्किल बाइसेक्ट कर रहा होगा तो वो उसके तो वो सी सर्किल के किसी एक डायमीटर के एंड से पास कर रहा होगा। तो एस का कोई मेंबर ऐसा दिखाई दे रहा होगा और हम बोल पाएंगे कि फिर वो सी सर्किल के सर्कमफेरेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ऐसा तभी हो पाएगा जब कॉमन कॉर्ड पे सर्किल सी का सेंटर लाई कर जाए। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन में सर्किल सी का सेंटर सेटिस्फाई करा देंगे, तो सर्किल सी का सेंटर 2,3 है, तो 2,3 पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और लैम्डा की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमें सर्किल फैमिली ऑफ सर्कल्स के पर्टिकुलर मेंबर का इक्वेशन मिल जाएगा जिसका इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो बस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है पॉइंट को सेटिस्फाई करा के, और लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देने से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा।